अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। अपने चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्म सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियन और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है अमर मलिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अमर मलिक 1899 में पैदा हुए और 1972 में फोत हुए। आप इंडियन फिल्म एक्टर थे और डायरेक्टर थे। आप कलकत्ता में पैदा हुए और पेशे के एतबार से आप सिविल इंजीनियर थे, लेकिन आपको फिल्मों का इतना शौक था कि आपने फिल्मी दुनिया ज्वाइन कर ली। आपने सबसे पहले 1932 में न्यू थिएटर ज्वाइन किया और आपने प्रेम अंकुर अथुर जी के साथ काम किया। उसके बाद आपने बेशुमार बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम किया और आपने साइड रोल प्ले किए, कैरेक्टर रोल प्ले किए और उसके बाद आपने प्रोडक्शन ज्वाइन की और आप एक मशहूर डायरेक्टर थे और आपकी शादी भारती देवी से हुई। आपने बेशुमार फिल्मों में काम किया, लेकिन मैं चंद एक के फिल्मों के नाम जरूर लूंगा जो कि बंगला फिल्में भी हैं और हिंदी फिल्में भी हैं। और फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, चोरे कांता, दीना पावना, संघिदा, पुनर्जन्मा, चीरा कुमार सभा, कपल कुंडाला, देवदास, अबाशेषे, करोड़पति, गृहदा, मुक्ति, साथी, संध्या, हार जीत, शेष रक्षा, बीरज बो, स्वामी विवेकनंदा, संपत्ति, दुर्गेश नंदिनी, छेलेकार, शाप मोचन, लोहा कपात, पारस पत्थर, छाओ पावा, शशि बाबूर संसार, मृत्र मृत्या आगमन, पर्सनल असिस्टेंट, प्रवेश निषेध, कथिन माया, कंचेर स्वर्ग, शुद्ध एकती बछर, उत्तर पुरुष। ये हैं वो फिल्म्स जिनमें आपने काम किया और इनमें कुछ फिल्मों के नाम थोड़े मुख्तलिफ हैं क्योंकि वो बगला फिल्में हैं। तो ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने अदाकार अमर मलिक के बारे में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूं। एक दफा आपसे फिर दरख्वास्त करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।